सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में। और चलिए डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं, आज और कल दोनों के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कल का जो पूरा पेपर आया था आपका, ठीक है, पूरा पेपर अगर आप कल का देखोगे तो बजट ही आया था उसमें, पूरा बजट आएगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि एक एक आर्टिकल को लेने के बजाय व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट डिस्कसिंग द बजट, ठीक है। आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सेशन फॉर द बजट, थोड़ा सा और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इस सेशन के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द बजट, और बजट के अलावा भी और भी टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, चाहे सी आर जेड एंड ऑल, कई सारे जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर जो फोकस भी आपका रहेगा बजट के ऊपर, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे लगातार आर्टिकल्स भी आ रहे हैं बजट के ऊपर ही, और आपका जो है कल का पेपर भी देखोगे उसमें भी बजट ही बजट था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट का आपको आउटलाइन पता हो कि बेसिकली बजट में है क्या, क्या थीम है, इन सारी चीज़ों को। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि आप साथ साथ लिखते भी जाओ, ठीक है, थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि बजट के अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सेशन ऑल्सो, ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें अगर कुछ है तो उसको भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर Unacademy Plus प्लेटफॉर्म। तो एक नया कोर्स आपका Unacademy Plus प्लेटफॉर्म में चालू हो गया है फरवरी के करंट अफेयर्स के लिए। इस तरीके से करंट अफेयर्स आपका हर महीने आएगा, ये कोर्स भी मेरे द्वारा ही प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें फरवरी का करंट अफेयर कवर होगा डेली बेसिस पर, उसमें दूसरी मैगजीन्स भी हैं सारी वो कवर होंगी, इंटरनेशनल जर्नल्स, आंसर राइटिंग, सभी चीज़ें की जाएंगी। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन गो फॉर दिस, और जो 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन गो फॉर दिस। और आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या थीम थी, क्या क्या थीम थी उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग डाल लो हेडिंग, यू कैन राइट डाउन बजट 2021, ठीक है, बजट 2021। तो यहाँ पे तीन चीज़ें जो थोड़ा सा समझना है, प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ द बजट, तो तीन एरियाज में था। एक आपका था गवर्नेंस, राइट डाउन गवर्नेंस, दूसरा है आपका ईज ऑफ लिविंग, और तीसरा जो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है। आपका चाहे गवर्नेंस है, ईज ऑफ लिविंग है, और आपका तीसरा जो एरिया फोकस्ड है दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। जब आप ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट ईज ऑफ लिविंग, इसमें तीन एस्पेक्ट पर फोकस है, एस्पिरेशनल इंडिया, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी, ठीक है, एस्पिरेशनल इंडिया, उसके बाद आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी, ठीक है, ध्यान से सुनो, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि एक एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट भी करते जाओ। उसके बाद ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है इसमें तीन है आपके पास, क्या क्या है, एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर आपका क्या है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर है आपका वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, फिर आपका एजुकेशन एंड स्किल्स है। तो एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल। फिर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्या है, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन यू हैव न्यू इकोनॉमी। तो इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन यू हैव न्यू इकोनॉमी। केयरिंग सोसाइटी की अगर आप बात करोगे तो फिर क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर, कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर एंड टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जल्द से जल्द जो आपके दूसरे भी जो फ्रेंड्स उनको इन्फॉर्म कर दो कि सेशन जो है वो आपका शुरू हो चुका है, ठीक है, कल आपका जो सेशन नहीं हो पाया था
बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो कल का भी पेपर हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं और आज का तो है ही, और दोनों ही दिनों के जो पेपर्स हैं वो आपके बजट पर ही है, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल को लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड द बजट इट्सेल्फ। तो उसके बेसिक पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं। फिर आपके गवर्नेंस में देखते हैं, तो यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग में आपको एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी हो गया। गवर्नेंस की अगर आप बात करो तो यहाँ पे कई सारे लेवल पे रिफॉर्म्स की बात की गई है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात की गई है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात की है, जो कि हेल्प कर रहा है फॉर ऑनरेबल एग्जिट फॉर द कंपनीज। उसके बाद जीएसटी की बात करो तो 20% रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम फॉर ट्रक्स, जो ट्रक्स हैं टर्न अराउंड टाइम जो है उनका रिडक्शन हुआ है 20% से बिकॉज ऑफ सर्टेन रिफॉर्म्स, जैसे न्यू वे बिल टाइप जो रिफॉर्म्स आपके लिए हैं। उसके बाद बेनिफिट टू एमएसएमईज थ्रू इन्हेंस्ड थ्रेशोल्ड एंड कॉम्पोजिशन लिमिट, सेविंग ऑफ अबाउट 4% ऑफ मंथली स्पेंडिंग, ठीक है, फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड। तो सेविंग जो है अबाउट 4% ऑफ मंथली स्पेंडिंग फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड इन लास्ट टू ईयर्स, 60 लाख न्यू टैक्स पेयर एडेड बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स है उसकी वजह से ये शो कर रहा है कि गवर्नेंस आपका इंप्रूव हुआ है। तो इसके लिए कुछ डेटा आपको बताए गए हैं कि जो 60 लाख नए टैक्स पेयर ऐड किए गए हैं एंड 105 करोड़ ई वे बिल्स जनरेटेड, 105 करोड़ ई वे बिल्स जो है वो जनरेट किए गए हैं। अब बात करते हैं डिजिटल रिवोल्यूशन। व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल रिवोल्यूशन, तो डिजिटल रिवोल्यूशन में कुछ चीज़ें जल्दी से समझो। डिजिटल रिवोल्यूशन के लिए आपको याद रखना है डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर DBT, इस पर फोकस किया गया है, और लगभग 7 लाख करोड़ जो ट्रांसफर किया गया है, 7 लाख करोड़ रुपीज ट्रांसफर किया गया है थ्रू DBT। उसके बाद नेक्स्ट वेव की बात करो, उसमें डिजिटल गवर्नेंस पर फोकस किया जा रहा है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर फोकस किया जा रहा है, जो आगे इंप्रूवमेंट की बात किया जा रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का में बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने की का है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिजास्टर रिजिलियंस, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना है जो कि हम कह सकते हैं डिजास्टर रिजिलियंट हो, जो डिजास्टर है उसका इम्पैक्ट उस पर कम पड़े, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी थ्रू पेंशन एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना थ्रू पेंशन एंड थ्रू इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो गवर्नेंस गाइडेड बाय सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये तो सबको पता ही होगा, सबका विश्वास। इसमें क्या है, क्या क्या फोकस हुआ है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पहला पॉइंट है ना, ध्यान से सुनना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये थोड़ा हो सकता है आपको शॉर्ट छोटा दिख रहा हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बट जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर इसी के अंदर आएगा। उसके बाद हेल्थ केयर के अंदर आयुष्मान भारत, फिर आपका क्लीन एनर्जी में उज्ज्वला और सोलर पावर की बात की जा रही, क्लीन एनर्जी की तरफ है ना। तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत, क्लीन एनर्जी, उज्ज्वला एंड सोलर पावर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट सपोर्ट, पेंशन, अफोर्डेबल हाउसेस, हाउसिंग एंड डिजिटल पेनिट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, 6 पॉइंट्स है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है ना, ध्यान से सुनो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट सपोर्ट एंड पेंशन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड डिजिटल पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज टू इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर डिपॉजिटर्स, ठीक है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज है वो इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। एलिजिबिलिटी लिमिट भी इसमें फॉर NBFCs जो हैं फॉर डेट रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट प्रपोज टू बी रिड्यूस टू एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़ और लोन ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रपोजल टू सेल बैलेंस होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट इन IDBI बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपके लिए जो ये ट्रेंड्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ट्रेंड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सेशन ऑन द बजट इट्सेल्फ, तो हमने और भी डिटेल में डिस्कस करना, बट क्योंकि ये हिंदू में लगातार 2 दिन से आपके बजट के ऊपर लगातार
आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसलिए ओवरऑल थोड़ा व्यू लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जीडीपी की बात करोगे तो इसका ग्रोथ आपका ट्रेंड अगर देखोगे तो ये रिड्यूस हुआ है, एटलीस्ट ये माइंड में आपका होना चाहिए। फिगर कई बार नहीं पूछता है आपका, पूछा किस तरीके से जाता है, जो ट्रेंड है, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है कि ये रिड्यूस हुआ है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया गया किया हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करोगे तो ये आपका इंक्रीज हुआ है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करोगे ये आपका कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद एफडीआई आपकी कम हुई है, उसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज की बात करें रेशियो की, तो वो भी आपका कम हुआ है अगर इसकी रेशियो की बात करोगे, और डेफिसिट्स की बात करोगे वो भी आपका, मेनली फिस्कल डेफिसिट, वो भी आपका कंपेरेटिवली थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। डेट की बात करोगे तो वो भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली रिड्यूस हुआ है। तो ये फिगर्स आपको याद रखना है। जीडीपी का ट्रेंड क्या है, सभी रिड्यूस, कुछ इंक्रीज हुए हैं जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, बट सपोज आपसे ये पूछ लेता है, स्टेटमेंट ये हो सकता है कि WPI इंक्रीज्ड, CPI डिक्रीज्ड, उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि CPI जो है, CPI बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका बढ़ा है, WPI जो है वो कम हुआ है। ये कुछ ट्रेंड्स आपके माइंड के अंदर होने चाहिए, जो बेसिक ट्रेंड्स हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट जो है 2019-20 की बात करो, और जो प्रपोज्ड है वो 3.5 है। रेवेन्यू डेफिसिट भी अगर आप देखोगे वो आपका इंक्रीज हुआ है 2.7। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट ये लिखते जाओ साथ साथ, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर आप बात करो तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ऐसा जो एक्सपेंडिचर है जो एसेट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है फिर आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से आपने माइनस, मतलब उस एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जो आप मेनली असेट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर आपका है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। जो प्राइमरी डेफिसिट भी आपका आपका रिड्यूस हुआ है 0.7 से आपका 0.4 हो गया है, मतलब ये जो बजट एस्टिमेट है वो 0.4 का है, 2019 का अगर रिवाइज एस्टिमेट की बात करो तो 0.7 है। इसी तरीके से बजट एस्टिमेट की इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करो 1.8 है, और रेवेन्यू डेफिसिट जो बजट एस्टिमेट है 2.7 है 2021 के लिए, और 3.5 है फिस्कल डेफिसिट। तो ये इस टाइप से है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है। तो मेनली प्राइमरी डेफिसिट में भी देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट जो आपका होता है, फिजिकल डेफिसिट जो है उसमें से माइनस करना है जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, जो बॉरविंग आपने की है उसका जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसको आपको माइनस करना है, इट विल बी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें ये आपका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की अगर आप बात करोगे, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसमें भी सरकार ने काफ़ी पैसा लगाया, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरीगेशन, रिन्यूएबल पावर, कन्वेंशनल पावर, रेलवे है, अर्बन है और रोड है, अलग अलग एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपका पैसा जो है गवर्नमेंट ने मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए पैसा जो है सरकार ने लगाया है, तो ये लगाने का प्रपोज किया है। उसके बाद इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एट करंट यूएस डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5th है इंडिया का, कितना है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, चाइना का कितना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यूएसए का है जो कि 21.4 है, फिर चाइना का देखोगे तो 14.1 ट्रिलियन डॉलर है, फिर उसके बाद अगर आप जापान की बात करोगे तो 5.2 है, जर्मनी का देखोगे तो 3.9 है, इंडिया की देखोगे तो 2.9 है। तो आप खुद देख सकते हो चाइना और इंडिया के बीच में कितना बड़ा गैप है, 4.1 तो चाइना का है और 2.9 आपका है इंडिया का, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो इंडिया जो है 5th है, 5th नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आपका आ जाता है बेसिकली कि जो पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, रुपीज़ कहाँ से आता है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सबसे कम जो है कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें याद रखनी होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, कहाँ से कम आता है, ये थोड़ा सा इस फिगर के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो मेनली अगर आप देखोगे रुपीज़ कम फ्रॉम, तो कॉरपोरेशन टैक्स से हमारा 18% आता है, GST से हमारा 18% आता है, ये याद रखो, ठीक है, GST से 18% आता है और कॉरपोरेशन टैक्स से 18% आता है। तो ये एक बड़ा फैक्ट हो जाता है, दोनों में सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, पहले कॉरपोरेशन टैक्स ही मैक्सिमम होता था बट अब इसको आगे रिड्यूस भी कर दिया है, ये याद रखना है मैक्सिमम। उसके बाद दूसरी जो है, चाहे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की बात करोगे,
इनकम टैक्स से हमारा आता है 17%, एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी की अगर आप बात करोगे तो 7%, उसके बाद कस्टम्स से बात करोगे, कस्टम्स से हमारा आता है 4%, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो हमारा आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो हमारा आता है वो 10%, बॉर्विंग और अदर लाइबिलिटी से हमारा आता है, बॉर्विंग एंड अदर लाइबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो इससे आता है 20%। तो इन जनरल अगर बॉर्विंग और अदर लाइबिलिटी को भी अगर आप काउंट करोगे तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप मान लो बॉर्विंग इंक्लूडेड नहीं है और कॉरपोरेशन टैक्स और जीएसटी सिर्फ इंक्लूडेड है तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारा कॉरपोरेशन टैक्स से 18% आ रहा है, जीएसटी से 18% आ रहा है, बट बॉर्विंग और अदर लाइबिलिटीज को इंक्लूड करोगे तो उससे हमारा मैक्सिमम 20% आ रहा है, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट लगभग 6% की है, तो ये बेसिकली आपको जो माइंड के अंदर, क्योंकि सब याद नहीं रहेगा एग्जाम में, एक तो जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18% और बॉर्विंग एंड अदर लाइबिलिटी से 20%, इतना आपको याद रखना है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से हमारा 10% आता है, ये फैक्ट्स आपको याद रहना। जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, सभी को, एवरीवन, ज्योति, प्रशांता, एवरीवन, ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रहे हो सकता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी कमिंग बहुत सारे दिनों में यही आर्टिकल्स आपको दिन भर आएंगे, तो इसलिए बेटर ये है कि इसको समझ लेते हैं, फिर जब कोई अगर मान लो कोई स्पेसिफिक आपका अगर आ जाएगा टॉपिक अगर आएगा तो फिर वो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है, बट यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे कई फ्रेम हो सकते हैं। अब यहाँ हमने देख लिया कि कहाँ से आते, अब कहाँ जाता है, ठीक है, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाता है पैसा, सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, है ना, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये आपका 20% है, ठीक है, ये आपका 20% है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में 18% जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में आपका 18% जाता है, तो ये दो तो आपको याद ही रखना चाहिए। 6 सब्सिडीज में याद रखो, सब्सिडीज में हमारा कितना जाता है 6%, और डिफेंस में कितना जाता है, डिफेंस में 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर हमारा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर जल्दी से लिख लो 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका 9% जाता है, ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर मतलब जो सेंटर की स्कीम से, उसमें आपका 13% जाता है, और जो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में है, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में आपका जाता है 10%, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर आपके 10% है, डिफेंस में आपका जाता है 8%, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी आ जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब टैक्स प्रपोजल की बात करो तो इसमें बहुत सारे टैक्स प्रपोजल हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सेशन, तो उसमें भी हम एक एक जो फिगर्स आप सोच रहे हो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम ओवरऑल व्यू ले रहे हैं बजट 2020-2021 का, ठीक है, और मैक्सिमम फाइनली आपको यही पॉइंट्स याद रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपको और कुछ ज़्यादा याद रहेगा, फाइनली यही पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आसानी भी रहेगी। अब देखो यहाँ पे जो एक टर्म है दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बाकी सब तो ठीक है लेकिन अभी टैक्स स्लैब की भी, अब देखो ये अभी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछते हैं कि जो जैसे बिलो 5 को उन्होंने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया, फिर 5 से 7.5 लाख की सैलरी एनुअल है तो 10%, 7.5 से 10 है तो 15%, 10 से 12.5 है तो 20%, और 12.5 से 15 है तो 25%, और अबव 15 है तो 30%, तो इस टाइप से टैक्स का किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है removed and classical system of dividend taxation adopted, तो आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, अभी लिख लो dividend distribution tax ये क्या होता है, चलो अभी मैं बता देता हूँ, dividend distribution tax जो है इसको remove किया गया है, it is removed, तो क्या होता है इसको समझ लो, dividend distribution tax, तो dividend का मतलब क्या होता है, a return in a is a return given by a company to its shareholder out of profit, अगर कोई कंपनी है कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो शेयर जो देगी
अपने शेयर होल्डर्स को, उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है. इन अ पर्टिकुलर ईयर डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स विच आइडली शुड बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिविडेंड दिया जाता है उस पर टैक्स ना लगा के कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड उस पर टैक्स आपका लगाया जाता है. तो इसको जो है हटा दिया गया, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यू, अगर खाली डिविडेंड पर लगता तो डिविडेंड टैक्स कहलाता, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया अब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो जो भी अमाउंट है उस पर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपका इम्पोज किया जाता है. तो इस चीज को हटाया गया है और कहना यह है कि इट विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका होगा क्योंकि कोई अगर पैसा लगाता है टैक्स उसके लिए कम होता है तो उसको भी आसानी रहेगी, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट ये आपका जो है करेगा. फिर आपका है एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे एरियाज जो पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना टू कवर 20 लाख फार्मर फॉर स्टैंड अलोन सोलर पंप्स एंड फर्दर 15 लाख फॉर ग्रिड कनेक्टेड पंप्स. तो देखो ये इतना डेटा याद नहीं रहेगा. पीएम कुसुम योजना आप लोग जरूर से एक बार देखो, पीएम कुसुम योजना, इसके तहत 20 लाख जो फार्मर है फॉर स्टैंड अलोन सोलर पंप, सोलर पंप्स जो है क्रिएट किए जाएंगे, सोलर पंप 20 लाख फार्मर्स के लिए, 20 लाख फार्मर्स के लिए. उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रन विलेज स्टोरेज स्कीम, विलेज स्टोरेज स्कीम अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपका क्रिएट किया जाएगा. उसके बाद किसान रेल एंड कृषि उड़ान टू बी लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, किसान रेल एंड किसान उड़ान ये आपका लॉन्च किया जाएगा बाय इंडियन रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रेस्पेक्टिवली फॉर सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिसेबल. तो देखो ये बहुत अच्छा, मतलब याद रखो इस चीज़ को, किसान रेल और किसान उड़ान. तो किसान रेल में जैसे कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको तुरंत ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो इसमें रेलवे के थ्रू आपका किसान रेल हो गया, सिविल एविएशन के थ्रू कृषि उड़ान हो गया, कृषि उड़ान. तो किसान रेल और कृषि उड़ान है ना, तो कृषि है, कृषि उड़ान. तो ये क्या है, अभी आपसे पूछा कृषि उड़ान क्या है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, है ना. कृषि उड़ान जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, है ना, फॉर सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिसेबल्स. तो ये जो वेस्टेज हो जाता है और डिले जो होता है ट्रांसपोर्टेशन में उसको कम करेगा. फिर कई सारी जो डिजीजेज हैं जिससे एनिमल्स अफेक्ट होते, चाहे वो FMD हो और ये ब्रुसेलोसिस हो कैटल्स में, PPR हो इन शिप्स में, इनका एलिमिनेशन करना है ना इन शिप्स एंड गोट बाय 2025. तो ये बीमारी है FMD, PPR और ब्रुसेलोसिस कैटल, है ना. तो FMD एंड ब्रुसेलोसिस इन कैटल्स एंड PPR इन शिप एंड गोट, इसको एलिमिनेट करना बाय 2025, ठीक है. डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय 2025, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को 2025 से डबल कर देना, ये कहा गया है बजट में. इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि आपका जो मिल्क प्रोसेसिंग है उसको डबल किया जाएगा और बाय 2025. जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है ये थोड़ा सा याद रखो, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितना है, ₹15 लाख करोड़ लिखते जाना, ठीक है, खाली सुनना नहीं है. 15 लाख करोड़ का जो है आपका, आई विल ऑल्सो गिव यू द मेन्स क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग का प्रैक्टिस भी चलता है तो मेन्स क्वेश्चन भी आई विल गिव यू. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट आपका ₹15 लाख करोड़ है 2020-2021 के लिए. फिश प्रोडक्शन की बात करो, टारगेट ऑफ 200 लाख टन्स, फिश प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो आपका है 200 लाख टन्स, अनदर 45,000 एकड़ ऑफ एक्वा कल्चर टू बी सपोर्टेड. तो देखो मान लो ये डेटा आपको याद नहीं होता, बट अगर मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस जो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो डिजीज की बात हो, मिल्क प्रोसेसिंग की बात हो, क्रेडिट की बात हो, फिश प्रोडक्शन की बात हो, एक्वा कल्चर की बात हो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं. तो फिशरी एक्सटेंशन थ्रू सागर मित्र, है ना, ये और फिश के FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप करना, फिशरी एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इसके अंदर. फिर आपका वेलनेस वाटर एंड सैनिटेशन कैटेगरी के अंदर मोर देन 20,000 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. कमेंट सेक्शन में बताओ दूसरा नाम क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दूसरा नाम क्या है. अब यहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट जो है,
फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया जिससे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसको किया रोका जाए। फिर उसके बाद टीबी हारेगा देश जीतेगा कंपेन लॉन्च टू एंड टीबी बाय 2025। तो ये याद रखो, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कैंपेन आपकी लॉन्च की गई है जिससे कि टीबी को ख़त्म करना है आपको बाय 2025। तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पीपीपी मॉडल के मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल फॉलो किया जाएगा फॉर सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल को सेटिंग करने के लिए। फिर आपका जन औषधि केंद्र स्कीम जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लेकर आई जाएगी, जन औषधि केंद्र स्कीम वो आपका टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2024, ठीक है। उसके बाद आपकी निक्षय पोषण योजना आपकी है, निक्षय जो न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करे, निक्षय पोषण योजना, ठीक है, निक्षय पोषण योजना, ठीक है, जो आपकी 35 लाख करोड़ रुपीज इस पर दिया जाएगा। ODF ओपन डेफिकेशन प्लस टू सस्टेन ODF बिहेवियर, तो ODF प्लस जो है ODF प्लस, ठीक है, ODF प्लस में आपका इस ODF मतलब ओपन डेफिकेशन जो है इसके इस बिहेवियर को फर्दर मेंटेन रखना, कि ऐसा नहीं कि है ना कि आपने टॉयलेट बना दिए और ये सब किया लेकिन बाद में भी सेम चीज़ लोग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बिहेवियर जो चेंजेस हैं वो लेकर आने का कोशिश करना। और लिक्विड एंड ग्रे मैटर मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ वेस्ट मैनेजमेंट, तो लिक्विड और ग्रे मैटर मैनेजमेंट की बात की गई है, हमने डिस्कस किया गया हुआ है पहले भी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, अलॉन्ग विथ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो फोकस ऑन लिक्विड एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फोकस ऑन लिक्विड एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ वेस्ट वाटर। तो अगर आप ग्रे वाटर की बात करते हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पहले के सेशंस में, तो ये मेनली जैसे आप गाड़ी साफ करने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हो, किचन में इस्तेमाल कर रहे हो पानी का, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है, तो उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये है, उसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन में जो पैसा लगाया गया है, मतलब जो एस्टिमेट है वो आपका बढ़ाया गया है, तो ये भी है। उसके बाद ये डेटा आपको याद नहीं रहेगा, 12,294 करोड़ रुपीज़। एजुकेशन और स्किल्स की अगर आप बात करोगे तो 150 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं विल स्टार्ट अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड कोर्सेस, ये इतना ये आपको याद नहीं रहेगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश इंजीनियर्स बाय अर्बन लोकल बॉडीज, तो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज के इंपॉर्टेंस को भी आप समझ सकते हो, है ना। ये भी हो सकता है कि जैसे अर्बन लोकल बॉडीज के पास जो वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो ये अगर मान लो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप दी जाए कि आप जाके अर्बन लोकल किसी बॉडी पे इंटर्नशिप करो, अभी तो क्या किसी कंपनी को देखते हैं वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के काम को समझेंगे और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो अर्बन लोकल बॉडीज़ भी उसको रिक्रूट कर सकती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फिर डिग्री लेवल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम आपका है, डिग्री लेवल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम इन INDSAT टू बी कंडक्टेड इन इंडिया एंड अफ्रीका अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में भी फॉरेनर्स आके पढ़े, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्केलिंग अप टू टेक्नोलॉजी क्लस्टर, हार्बरिंग टेस्ट बेड्स एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, तो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको उन पर फोकस करना, और स्केलिंग अप टेक्नोलॉजी क्लस्टर हार्बरिंग टेस्ट बेड्स एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो नई नई जो टेक्नोलॉजीज आपकी आ रही हैं उनके लिए जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आप सेट कर सकते हो। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस करना एंड एप्लीकेशन विथ एन आउटले ऑफ ₹8,000 करोड़ प्रपोज, ठीक है। तो ये जो न्यू इकोनॉमी है, न्यू इकोनॉमी में न्यू एरियाज
पर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो नॉलेज ट्रांजिशन क्लस्टर्स हों और नई अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हों और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ हों, इन पर फोकस किया जा रहा है। तो ये न्यू इकोनॉमी के अंदर नए फोकस्ड एरियाज़ हैं जिनके लिए हम नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे। उसके बाद एक ध्रुव स्कीम है, ठीक है। ध्रुव स्कीम में भी अगर आप देखोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्रुव स्कीम। तो ध्रुव स्कीम में क्या है कि एक टैलेंटेड बच्चे को आइडेंटिफाई, एक को नहीं मतलब टैलेंटेड बच्चे को आइडेंटिफाई करना और फिर उनके स्किल्स और एजुकेशन में काम करना, ये आपका ध्रुव स्कीम के अंदर है, ठीक है। तो उस पर भी पैसा है लगाया, मतलब वो किया गया है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो स्कीम टू इनकरेज मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, इनको आपको प्रमोट करना। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है लॉन्च किया गया है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आपका जो टेक्सटाइल का दूसरे कई सारे एरियाज़ में जो एप्लीकेशंस हैं, इन जनरल आप टेक्सटाइल को क्लॉथिंग और सब सेलिंग करते हो, तो लेकिन इनका कई सारे दूसरे भी एरियाज़ में आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका टेक्निकल उपयोग है टेक्सटाइल्स का, अलग अलग फंक्शनल जो उपयोग है टेक्सटाइल का कई सारे एरियाज़ में जो किया जाता है, उसको प्रमोट करना, इससे जो डिमांड होगी टेक्सटाइल का वो बढ़ेगा। अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि अप्रेल्स और क्लॉथिंग के लिए ही टेक्सटाइल्स जो है इस्तेमाल में ली जाएँ, दूसरे जो कई सारी, चाहे इंडस्ट्रीज़ में देखो, इवन एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखो तो इन टेक्सटाइल्स का उपयोग होता है, है ना। तो ये जो एक टेक्निकल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन टेक्सटाइल्स को, उसको प्रमोट करने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो इंक्रीज होगी, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इससे आपका ग्रो होगा अगर डिमांड आपकी क्रिएट होगी। उसके बाद निर्विक स्कीम लॉन्च की गई है फॉर हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्पर्समेंट लॉन्च, है ना, टू प्रोवाइड हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट, सेटिंग अप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल टू प्रोवाइड एंड टू एंड फैसिलिटेशन। तो ये मेनली आपका जो कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए मदद करेगा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे देश में जैसे आप सभी को याद है कि हमने कॉरपोरेट टैक्स रेट कट भी किया है, तो अगर आप इंडिया की बात करो तो उस पर जो हमारा कॉरपोरेट टैक्स है वो 22 है, चाइना की बात करोगे तो वो आई थिंक 25 है, ये दो देशों का आप याद रखो, ठीक है। जापान का 23.2 है, लेकिन इंडिया और चाइना याद रखो, इतना याद नहीं रहेगा। तो इंडिया और चाइना का अगर आप इस टैक्स को कंपेयर करोगे तो इंडिया का 22% अप हो गया, पहले 30 था, अब चाइना का जो है वो 25% है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग एरियाज़ में आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है आपका, और उसके अलावा अगर आप देखोगे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयर, तो इसमें कितने कितने कहाँ क्या बनाया जाएगा वो उतना याद नहीं रहेगा, बट अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज़ आपको याद रखना है, चाहे वो रोड्स है, रेलवेज़ है, पोर्ट्स है, एयर है, पावर है, है ना। इसमें कन्वेंशनल एनर्जी मीटर्स टू बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट मीटर्स से रिप्लेस किया जाएगा, गैस ग्रिड्स बनाई जाएगी, नेशनल गैस ग्रिड जो है वो बनाई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जाएगी। तो ₹103 लाख करोड़ जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट अनाउंस, तो ये याद रखना 103 लाख करोड़, ये फैक्ट याद रखो, है ना, 103 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, ये कई जगह आपने पढ़ा होगा, तो ये है ना, कई लोगों ने आपको बताया कि ये पाइपलाइन जो है पाइपलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन में ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट बेसिकली अलग अलग, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि अलग अलग जो एरियाज़ हैं, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरीगेशन, रिन्यूएबल पावर, कन्वेंशनल पावर, रेलवे, अर्बन एंड हाउसिंग रोड्स, ये सारे सारे एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और इसके लिए सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो सैंक्शन किए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो है वो हाईलाइट किया गया। उसके बाद केयरिंग सोसाइटी की अगर आप बात करोगे तो वुमेन एंड चाइल्ड सोशल वेलफेयर, मोर देन 6 लाख आंगनवाड़ी वर्कर इक्विप्ड विथ स्मार्टफोन्स, तो ये भी है 6 लाख आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको स्मार्टफोन, अभी स्मार्टफोन से सारा गवर्न होता है, सारी चीज़ें जो है जो भी मतलब आंगनवाड़ी का भी गांव में बहुत रोल होता है, आप लोग को सभी को पता भी होगा। तो अगर वो आप कह सकते हो स्मार्टफोन से चीज़ें करेंगी, जैसे फिंगरप्रिंट ले लिया जो भी जिस भी पेशेंट के पास वो गए, है ना, तो और उसका भी डेटा, वो डेटा भी जो है वो अपने आपका स्टोर रहेगा, है ना, एक एक जो
अलग अलग जो जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस ही हैं तो उनका डेटा स्टोर रहेगा और क्या क्या हो रहा है उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट भी है, करप्शन के भी कम चांसेस आपके रहते हैं। कल्चर और टूरिज्म के लिए अगर आप देखोगे, प्रपोजल टू एस्टेब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, 5 आर्कोलॉजिकल साइट्स टू बी डेवलप्ड और एक म्यूजियम ऑन न्यूमिसमैटिक्स जो है एंड ट्रेड टू बी एस्टेब्लिश्ड, ट्राइबल म्यूजियम रांची में इस्टेब्लिश किया जाएगा और मैरीटाइम म्यूजियम जो है सेट किया जाएगा लोथल में। ये याद रखो, ये मैरीटाइम म्यूजियम जो है ये आपका लोथल में इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, लोथल के अंदर। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करोगे, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च, तो ये CDRI इकोनॉमिक सर्वे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो दोनों वॉल्यूम ऑलरेडी अपलोडेड है तो जाके उनको देखो। तो जो ये CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लॉन्च किया गया। इसमें सरकार ने कोशिश की, मतलब इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजास्टर रिजिलियंट बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मतलब आपने क्या किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई बड़ा डिजास्टर आया, सारा खत्म हो गया। तो आपको क्या है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जिस पर इस डिजास्टर का कम से कम इम्पैक्ट पड़े। तो डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है और इसके लिए यूएन के अंडर ही ये चीज़ आपकी रन की जा रही भारत के द्वारा। इंकरेजमेंट टू स्टेट्स इम्प्लीमेंटिंग प्लान फॉर क्लीनर एयर इन सिटीज अबव 1 मिलियन, तो ये 1 मिलियन मतलब अब एयर पोल्यूशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि उसको कम से कम किया जाए। फिर अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अब यहाँ पे देखो ये डेटा इतना याद नहीं रहेगा, आप कितना भी कोशिश करोगे भूल जाएगा और यूपीएससी में थोड़ा कम रहता है, पूछा भी जाता है। तो जैसे आई टोल्ड यू कि आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सेशन ऑन द बजट इटसेल्फ, बट यहाँ पे आपको जो ओवरव्यू माइंड में रखना है, जैसे पीएम किसान योजना में जो प्रपोज किया गया है वो इन्होंने इंक्रीज किया है पैसा, इंक्रीज डिक्रीज आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम में भी इंक्रीज किया है और जो एलपीजी की डीबीटी है ये रिड्यूस हुई, जो ये नेगेटिव जा रहा है वो आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब रिवाइज एस्टिमेट आपका कम था और ये एलपीजी का है ये आपका थोड़ा सा ये इधर इंक्रीज होगा, जो 2021 का बजट एस्टिमेट है ये आपका डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर ऑफ एलपीजी इट विल इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद ICDS की बात करें जो है इसमें भी आपका एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, तो ये चाइल्ड से रिलेटेड है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ये आपका इट हैज़ इंक्रीज्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जो एस्टिमेट है इट हैज़ इंक्रीज्ड, तो सभी में इंक्रीज ही है आपका, ये आपको बस ये ट्रेंड माइंड में होना चाहिए। एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करो तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करोगे तो यहाँ पे 50,040 करोड़ रुपीज़ जो है एक्सपेंडिचर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 67,000, मतलब इसको राउंड ऑफ में करते हैं 112 इतना याद नहीं रहेगा, 67,112 है तो 67,000 मानो, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 72,000 मानो, और जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है 71,000, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का 99,000, 800, 823 इस टाइप से, मतलब आप लोग को अगर राउंड फिगर पता होगा तो अराउंड इतना, मेंस में भी लिख रहा है तो कोई क्वेश्चन में तो इतना मेंशन कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अगर आप देखो तो ये है लगभग 1,22,000, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 1,24,000, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का 1,42,000, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करोगे तो 1,67,000, और उसके बाद अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करोगे तो 4,71,000। तो बाकी सब तो छोड़ो, मैक्सिमम कहाँ पे है, डिफेंस में हमारा जा रहा है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना, 4,71,000। उसके बाद आपका होम अफेयर्स में है 1,67,000, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में 1,42,000, 1,42,000, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि मैक्सिमम ये कितना एलोकेशन हो रहा है, कभी मतलब मेंस में भी कुछ लिख रहा हो, आर्गुमेंट में भी ये सब मेंशन आप कर सकते हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अब है आपका केरला में, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बजट हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओवरव्यू हमने बजट का ले लिया है। हाँ अभी फ़ोन नहीं है, प्रपोज्ड है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अभी तक तो आंगनवाड़ी वालों को फ़ोन नहीं मिला, तो अभी आप ये फ़ोन मत कर देना कि आपको फ़ोन
मिलने वाला है। तो कई जगहों पे स्कीम लॉन्च भी की गई होगी और कई जगहों पे अब लॉन्च होगी। अब देखो, केरला आइलैंड्स नाउ अंडर CRZ कवर, है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन कवर। 2130 केरला आइलैंड्स नाउ अंडर CRZ कवर। तो यहाँ पे आपके लिए मेंस का टॉपिक हो जाता है CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन कवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो भारत के अंदर 7500 किलोमीटर की आपकी कोस्ट है, ठीक है, अराउंड 7500 किलोमीटर की आपकी कोस्ट लाइन है। और कई आपके लगभग आइलैंड्स भी हैं, 2000 किलोमीटर का आपका आइलैंड्स है, 5500 किलोमीटर के मेन लैंड्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 176 माइनर पोर्ट्स हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। और फिशरमैन्स भी इस पर काफ़ी आपके डिपेंडेंट है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, दे आर प्रोन टू साइक्लोन, स्ट्रॉम, इरोजन, फ्लडिंग, लॉस ऑफ बीच स्पेसिस, पॉल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्रीकल्चर और सीवेज डिस्चार्ज किया जा सकता है, सॉलिड वेस्ट जनरेट वहाँ पे जो सिटीज़ में है वो आपका फेंक दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इन कोस्टल इलाकों में आप कुछ गाइडलाइंस लेके उसको कंट्रोल करो, ठीक है। तो इसी के लिए आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, इसके अंदर आपका गाइडलाइंस होती हैं, CRZ के अंदर आपकी गाइडलाइंस होती हैं। तो जैसे ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स हैं, क्या है, अलग अलग, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन वन रूल क्या कहता है, वन क्या कहता है, नो न्यू कंस्ट्रक्शन परमिटेड। तो एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन, हाई टाइड लाइन क्या होता है, लाइन अप टू विच द हाईएस्ट वाटर लाइन रीचेस ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, मतलब जब टाइड आपकी आती है और उसका पानी मैक्सिमम जहां तक जाता है वो आपका हाई टाइड लाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन, यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन, मतलब ये आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन वन के अंदर आएगा, यहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, मैनग्रोव्स और ये सब आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन वन के अंदर आते हैं, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है। उसके बाद CRZ 12 की बात करोगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी जो है वो तो है लेकिन न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आपका होता है, जो बिल्डअप अर्बन एरियाज डेवलप्ड अप टू क्लोज टू अ शोर लाइन। उसके बाद आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन थ्री, अब जो ये तो 2011 का नोटिफिकेशन है, 2018 के नोटिफिकेशन में दो चेंजेस हुए हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन थ्री में क्या कह रहा है कि हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक नो कंस्ट्रक्शन परमिटेड। और कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर में कहता है कि बिल्डिंग रेगुलेशन टू बी एडहेर्ड फ्रॉम 200 मीटर टू 500 मीटर। तो 200 मीटर से 500 मीटर में भी रेगुलेशन है। तो अलग अलग एरियाज, पहले कोई मतलब CRZ के अंदर नो न्यू कंस्ट्रक्शन परमिटेड, CRZ 2 में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, CRZ 3 में हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक है कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है, कुछ कंडीशंस भी हैं। CRZ 4 के अंदर बिल्डिंग रेगुलेशंस जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये 200 मीटर से 500 मीटर है। अब देखो, ये जो नया आया था 2018 में, इसमें CRZ 3A और 3B इंट्रोड्यूस किया गया था। तो CRZ 3A क्या कहता है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज विथ अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस, सच एरिया विल हैव अ नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन एज अगेंस्ट 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, जो कि आपका है। तो ये जो 200 मीटर का एक लिमिटेशन था, है ना, 3A में क्या कह रहा है, ऐसी डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया विथ अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 2161, है ना, ठीक है। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर इतनी या इससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में ये 200 मीटर वाला रूल नहीं लगेगा। उन्होंने इसको 200 मीटर से रिड्यूस करके 50 मीटर कर दिया। तो है ना, तो मतलब 200 मीटर तक आप जो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, इसको रिड्यूस करके 50 मीटर कर दिया। ये इज ऐसी जगहों पे जहाँ पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो मेरे लिए हाउसिंग रिक्वायरमेंट को मीट करना एक बड़ा एक चैलेंज आ जाता है। 3B के अंदर ये कह रहा है कि अगर कम है तो उसको वो 200 मीटर वाला रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो STL 2-3 जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 रूल किस पर, हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक का आपका ये एरिया कवर होता है। और इसमें भी अगर नो कंस्ट्रक्शन परमिटेड है, यहाँ भी नो कंस्ट्रक्शन परमिटेड है, तो इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया, 2161 है ना, आई थिंक हाँ 2161, इतनी अगर डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो इतनी है या इससे ज़्यादा है,
तो ये 200 को रिड्यूस करके 50 कर दिया कि 50 मीटर तक ये रूल लगेगा, हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक, बाकी में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर 2161 से कम है तो ये 200 का जो रूल है ये आपका लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर इतना ज़रूरी नहीं है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो सिर्फ आपका करंट में बता दिया कि इतने आइलैंड्स केरला के आपके इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये जो CRZ है ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, 3 माइल्ड क्वेक्स हिट कच्छ विद इन 14 आवर्स। तीन अर्थक्वेक आए हैं कच्छ में, तो ये आपको ये जरूरी नहीं कि कितना उसका स्केल था या कितने लोग मरे कितना, ये आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक क्यों आया है वो जानना जरूरी है, ठीक है। उसका जो बेसिक जियोलॉजी जानना जरूरी है, ये जो है आपके GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे फिर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लो, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इंडियन प्लेट है आपकी, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मतलब कन्वर्ज कर रही हैं। तो जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफ मॉडर्न डे गुजरात लाइज 300 से 400 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है या कच्छ का जो इलाका है वो 300 से 400 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये 300 से 400 ये तो जो ये डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा आपका नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेक्टोनिक रीजन के पास ही है और ये आपका सिस्मिक जोन के अंदर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, द करेंट टेक्टोनिक्स इज स्टिल गवर्न बाय द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्टिनेंटल कोलिजन अलॉन्ग द बाउंड्री। तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं इस रीजन में, कच्छ वाले भी रीजन में, इसके लिए भी यही जो प्लेट्स का मूवमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हैं, तो वही एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना जो कि इसमें हाईलाइट भी किया गया है कि जो गोंडवाना है ना, गोंडवाना मतलब जब आपका आपने पढ़ा होगा कि पहले जो है हमारा पूरा जो अर्थ में लैंड एरियाज है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं, PANGEA पैंजिया, और वो दो भागों में बटा था, एक गोंडवाना और एक आपका लॉरेशियन। तो ये जो दो भागों में बटा था गोंडवाना में, तो गोंडवाना का ही पार्ट इंडिया भी था और भी दूसरे कंट्रीज थे, ये धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके ड्रिफ्ट होते गए, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जो ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना का जो ब्रेकअप हुआ था इन द जुरैसिक पीरियड, दिस एरिया वॉज अफेक्टेड बाय रिफ्टिंग विथ अ रफली वेस्ट टू ईस्ट ट्रेंड ड्यूरिंग द कॉलिजन विद द यूरेशिया, द एरिया हैज अंडरगॉन शॉर्टनिंग इन्वॉल्विंग बोथ रीएक्टिवेशन ऑफ द ओरिजिनल रिफ्ट फॉल्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंगल थ्रस्ट फॉल्ट। तो आपको ये इतना इसमें सिर्फ आप ये समझो कि ये जो ब्रेकअप हुआ था गोंडवाना है ना, गोंडवाना का जो ब्रेकअप आपका हुआ था जुरैसिक पीरियड में, पहले तो आपका पेंजिया था, फिर ये जो मूव अलग से किया था, सेपरेट हुआ था गोंडवाना, लॉरेशिया अलग मूव किया, गोंडवाना अलग मूव किया, तो इसकी वजह से फॉल्ट्स क्रिएट हुए थे। फॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ कि आप ये मानो कि मान लो ये आपका लैंड एरिया है, ठीक है, ये आपका एक प्लेट है ना, तो एक टूट गई इस टाइप से, तो बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया, मतलब एक पहले ये कंटिन्यूस एक प्लेट थी, सबचो ये कंटिन्यूस एक प्लेट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, अब बीच में इसके दरार सी आ गई, तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट। तो ये फॉल्ट आपका उस समय जनरेट हुआ था और ये जो फॉल्ट है थ्रस्ट फॉल्ट आपका विजिबल भी है, तो ये भी एक जो प्रेजेंस है फॉल्ट का जो प्रेजेंस है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट वी कॉल इट एज अर्थक्वेक इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, थ्रस्ट फॉल्ट क्या है, इट इज़ अ ब्रेक इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में ब्रेक मतलब गाड़ी वाला ब्रेक नहीं, मतलब टूटना, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस विच ओल्डर रॉक्स आर पुश्ड अबव यंगर रॉक्स, जिस वजह से है ना ऐसा ये फॉल्ट क्रिएट होता है कि जो ओल्डर रॉक्स हैं, मतलब क्योंकि जनरली क्या होगा, इन जनरल क्या होगा कि मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या दूसरे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे, तो ऊपर वाले जो सेडिमेंट्स होंगे उनकी एज ज़्यादा नहीं होगी, कंपेरेटिवली यंगर होंगे, नीचे जो है वो ओल्डर होगा, लेकिन इस ब्रेक की वजह से क्या होगा, जैसे ब्रेक हुआ ये ऐसे नीचे गया, ये जो नया वाला नीचे चला गया, ऊपर वाला मतलब जो ओल्डर है वो ऊपर चला जाता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका होता है
थ्रस्ट फॉल्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट में ब्रेक होना और ओल्डर रॉक्स ऊपर पुश्ड अबाउ यंगर रॉक्स, ठीक है। तो ये थ्रस्ट फॉल्ट आपका देखने को मिलता है इस गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब जो कच्छ का इलाका है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें आपको जीएस पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिंदू में ये सब नहीं लिखा हुआ है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग जो हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं वो लाइन टू लाइन नहीं है, वी आर डिस्कसिंग थिंग्स एज पर आर सिलेबस, जो कि जीएस पेपर वन में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। कोई ज्योग्राफी का टीचर होगा उसके लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ होगा, तो वो जरूर से आपके लिए मेंस का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट, ये भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू मैस्कॉट फॉर नेशनल गेम्स। जो नेशनल गेम्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेशनल गेम्स आपके कहाँ पे होने हैं इस बार। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है रूबी गुला, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ये नाम याद रखो, ये आपका मैस्कॉट है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया, प्रीलिम्स के लिए है ये, रूबी गुला, ठीक है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, इसका नाम रखा गया रूबी गुला, और ये आपका मैस्कॉट है फॉर द फॉर नेशनल गेम्स। हरियाणा, हरियाणा हरप्पन साइट टू क्रिएट जॉब्स, मेनली जो राखी गढ़ी है वहाँ पे मतलब कि हरप्पन, मतलब टू डेवलप द हरप्पन साइट्स एट हिसार राखी गढ़ी विलेज, और जो कि एज एन आइकॉनिक साइट एंड सेट अप ए नेशनल म्यूजियम। तो मेनली क्योंकि जो हरप्पन साइट है, राखी गढ़ी जो है, ये आपका राखी गढ़ी तो आपका एक गांव है वहाँ पे हरियाणा में, आई थिंक आप लोग में से कई लोग गए भी होंगे। तो वहाँ पे जो अनाउंस किया गया कि हम एक यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है, नेशनल म्यूजियम बनाएंगे, मेनली ये हरप्पन कल्चर से रिलेटेड ही म्यूजियम रहेगा। इस वजह से लोग आएंगे वहाँ पे, उनको यूथ है वो, उनको जॉब मिलेगी, है ना, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे क्या उस रीजन का भी डेवलपमेंट आपका होगा, ठीक है, ये कुछ आपको ध्यान रखना है। तो ये अनाउंसमेंट इसलिए जरूरी है, स्प्रेड अक्रॉस 500 एकड़ राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये लाइन याद रखो, राखी गढ़ी जो है वो आपका लार्जेस्ट हरप्पन साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, लार्जेस्ट हरप्पन साइट है, इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये लाइन याद रखो, लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टडी ऑन बैट हंटर्स ऑफ नागालैंड अंडर स्कैनर। तो यहाँ पे क्या है कि ये हाईलाइट किया गया है कि मतलब ये रिसर्चर्स हैं यूएस, चाइना और इंडिया के, उन्होंने रिसर्च कैरी आउट की है बैट्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर, और बैट्स और ह्यूमंस के। तो जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, ये फिलो वायरस कैरी करते हैं, फिलो वायरस जो है ये आपके कैरी करते हैं, अलग अलग जो वायरस, जैसे इबोला के, रेबीज के, मरबर्ग के, सार्स कोरोना वायरस, ये आपका रहता है। जैसे अभी भी जो चाइना में जा रहा है, चाइना में जो आपका चल रहा है, चाइना में जो आपका जो चल रहा है, जो नोवेल कोरोना वायरस जिसको हम कह रहे हैं, और कई लोग उससे मर भी गए हैं, तो उस वो कैसे स्प्रेड हुआ, बैट्स के थ्रू स्प्रेड हुआ था। एक बैट को स्नेक ने खाया, ठीक है, स्नेक को फिर ह्यूमन ने खाया, ठीक है। तो ये स्नेक में भी कहाँ से आया, बैट से आया, और फिर जब ह्यूमन ने खाया तो ये स्नेक को ह्यूमन ने खाया, तो ठीक है, तो वो ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो गया। तो इन बैट्स के अंदर बहुत सारे वायरस प्रेजेंट होते, तो इनकी स्टडी करना। नागालैंड के अंदर ये देखा गया कि कई सारे जो लोग हैं, है ना, वो इनके इंटरेक्शन में भी रहते हैं, लेकिन उनके बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं कि उनके अंदर इन वायरस का बहुत कम असर पड़ता है। तो उस पर स्टडी की जा रही है कि अगर ऐसी एंटीबॉडीज़ के बारे में पता चल जाए तो फिर ये जो स्प्रेड है डिजीजेस का उसको रोका जा सकता है। इस पॉइंट पर हाईलाइट किया जा रहा है। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट्स कैन हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, कमेंट। तो ये खुद से सोच के लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ स्टोरी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स। तो कल्चरल हेरिटेज साइट्स कैन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, कमेंट करना है 150 वर्ड्स, आपको 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप आंसर 18-20 मिनट्स में लिख रहे हो तो आप ये कंसीडर करो, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो वो अच्छा काउंट नहीं होगा। मतलब इसका रीज़न सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अगर 7-8 मिनट में आप जो आंसर लिख पा रहे हो
ओवर एवरेज आंसर लिख पा रहे हो तो वो फार बेटर, 30 मिनट में वही आंसर लिख रहे हो 10 मार्क्स का तो आपके काम का नहीं। इसका रीज़न क्या है, आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, सामने चाहे स्टॉप वॉच रख लो या जो भी रख लो आप, क्योंकि हमने डिस्कस भी कर लिया, बेसिक थीम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको लिखना है तो आपके लिए आसान होना चाहिए, तो उस वे में आपको लिखना शुरू करो। और अपने आंसर आप मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, daily dose with s.pandey, ठीक है, daily dose with s.pandey, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है daily dose with s.pandey, इस पर आप अपने आंसर जो है सेंड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार सेंड कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आंसर आप सभी के रीड किए जाते हैं, बट रिव्यू थोड़ा सा सभी का करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं। और ये आपको याद रखना है कि अपने आंसर को ये सोच के लिखना बंद नहीं कर देना है कि मेरे जो आंसर हैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, आपको लिखते रहना है। अगर कोई मेजर मिस्टेक आपके आंसर राइटिंग में होगी तो वी विल लेट यू नो। दूसरा पॉइंट आप ये समझो कि आप लोग के A4 साइज पेजेस में या फिर UPSC वाले पेजेस में आंसर लिखना है, वो लाइन वाले पेजेस में कोई लिख के भेज देता है, ये सारी चीज़ें नहीं करना। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे जो आंसर भेजता है उसके आंसर रीड भी नहीं किए जाते, तो आप लोग ये चीज़ अवॉइड करो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आखिर में आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जरूर से ज्वाइन करो और जल्दी से लाइक, पहले लाइक बटन दबा दो, कई सारे स्टूडेंट्स हो आप बट आप लोगों ने लाइक बटन अभी तक प्रेस नहीं किया है, तो सभी लोग जो है लाइक बटन जल्दी से प्रेस करो। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो। फरवरी वाला कोर्स लॉन्च हो गया है, मार्च वाला भी आपका लॉन्च होने जा रहा है, 15 फेब से आपका 2 ईयर्स का करंट अफेयर वाला कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, बहुत सारे जो कि प्रीलिम्स 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सभी कोर्सेज कर सकते हो, अपना ऑप्शनल कर सकते हो, घर बैठे UPSC की तैयारी पूरी कर सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें। आपको करना क्या है, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन मतलब जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करो और इस रेफरल कोड को यूज़ करो SPLIVE, जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, और इसमें आप मेरे कोर्सेज के अलावा सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल है, टेस्ट सीरीज़ है, GS की कोर्सेज है, सभी कुछ आपके लिए फ्री है ना, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी करो। थैंक यू एवरीवन, और लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, और लेट्स क्रैक UPSC CSE को जरूर से सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।